खैरियत से होंगे। तो हमने वो टॉपिक शुरू किए थे और लंबा वेट करना आपको पड़ गया, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हमने दो कंपाउंड्स पढ़े थे, AgNO3 पढ़ा हमने और दूसरा हमने पढ़ा था कॉपर सल्फेट। आज हम शुरू कर रहे हैं पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट का फार्मूला है K2CrO4, ठीक है जी। अब अगर हम इसमें देखें तो दूसरा हम ये कह सकते हैं कि दिस टॉपिक इज केमिस्ट्री ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, केमिस्ट्री ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। देखा जाए तो इस पोटेशियम क्रोमेट में कितने यूनिट है हमारे पास, दो, एक हो गया पोटेशियम और दूसरा हो गया क्रोमेट, ठीक है। इट कंटेन्स टू यूनिट पोटेशियम और क्रोमेट, और ये हम कह सकते हैं कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, ठीक है। और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 25 था और इसकी कॉन्फिगरेशन क्या बन रही थी, 4s1 3d5, इफ यू रिमेंबर, जहां हमने पॉइंट डिस्कस किया था कॉन्फिगरेशन का। अगर वो आपके ध्यान में ना हो तो आपको लेक्चर बन देंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो पोटेशियम है +1 और क्रोमेट है CrO4-2। पोटेशियम +1 और क्रोमेट CrO4-2। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की आपको ट्रिक्स बताई थी। क्रोमियम, ठीक है जी, और क्रोमियम के साथ कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, चार ऑक्सीजन लगा दिए, ऑक्सीजन के कितने हैं बैलेंस के, ऑक्सीजन भी दो, तो ऑक्सीजन के दो बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। इस ऑक्सीजन का देखो एक बॉन्ड बना है, एक बैलेंस इसकी फ्री है, नेगेटिव चार्ज, इसकी भी एक बैलेंस फ्री है, नेगेटिव चार्ज, तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, क्रोमेट की। अब यहाँ ये सवाल एक आया हुआ है एंट्री टेस्ट में कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम क्रोमेट, तो मैंने आपको बताया है पोटेशियम का चार्ज कितना, +2, वो दो पोटेशियम +2, ऑक्सीजन का चार्ज कितना, -2, चार ऑक्सीजन का -8, -8 और +2 आएगा -6, रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, +6। और स्ट्रक्चर बनाने के दौरान ये हमें ध्यान रखना है कि जितना ऑक्सीजन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, बॉन्ड्स भी उतने होंगे, कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आ गई, आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन तीन कंपाउंड से की जाती है, क्रोमाइट ओर से, क्रोमियम ऑक्साइड से और पोटेशियम डाइक्रोमेट से, ठीक है, तीन, क्रोमाइट ओर और दूसरा क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड, तीसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रोमाइट ओर का क्या फार्मूला है, FeO.Cr2O3, माना आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को साथ में मिला के कहा जाता है क्रोमाइट ओर। क्रोमियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला होगा, Cr2O3। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या फार्मूला होगा, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब हम देखते हैं इसकी पहली प्रिपरेशन को, पहली प्रिपरेशन में क्या है, फ्रॉम क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर को हम पाउडर बना के उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा पोटेशियम क्रोमेट, और क्या बनेगा, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, ये कंफ्यूजन है कोई। पहली प्रिपरेशन किससे है, क्रोमाइट ओर से, क्रोमाइट ओर क्या है, क्रोमाइट ओर है आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड,
इसको हम हीट करेंगे किसके साथ, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट बनेगा K2CrO4। दूसरा ये जो Fe2FeO है, फेरस ऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइज होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। और साथ में क्या बनेगा, अब याद रहे जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बोनेट होता है, ये उसूल है रिएक्शन का, इनऑर्गेनिक का, जहां पर भी कार्बन कार्बोनेट होता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है, ये बात ध्यान में रहे आप, ठीक है। जहां पर भी कार्बोनेट होगा तो वहां से क्या निकलेगा, वहां से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। बैलेंस करने के लिए एक यहां लगा दें। इस रिएक्शन में आप देखें तो इस रिएक्शन में इसमें फेरस एफ ई इसके ऊपर चार्ज है प्लस, यही यहां पर इस पे चार्ज चला जाता है प्लस से, क्या हुआ, आयरन हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन, आयरन में क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और अगर क्रोमियम की देखें आप तो क्रोमियम का इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 3। और क्रोमेट में हमने देखा है, क्रोमेट में कितना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 6। तो ये भी क्या हो गया, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, समझ में आ रही बात, दिस इज प्रिपरेशन नंबर 1। अब दूसरी प्रिपरेशन आती है हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड के, क्रोमियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला है, Cr2। अब क्या करेंगे हम, क्रोमियम ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करेंगे ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन स्ट्रॉन्ग अल्कली, और अल्कली दो टर्म्स हैं, चैप्टर 3 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ, एक होता है अल्कली, दूसरा होता है बेस। अल्कली किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, बेस उस चीज को कहते हैं जो OH नेगेटिव दे, दैट इज कॉल्ड बेस। अगर वो बेस पानी में हल हो जाए, अगर वो बेस पानी में हल हो जाए तो अब उस बेस को कहेंगे हम अल्कली, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन ऑफ Cr2O3 विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, प्रेजेंस ऑफ एन स्ट्रॉन्ग अल्कली जैसे KOH, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखो क्या बनेगा, पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा, K2CrO4 बन जाएगा। दूसरा देखो क्या बनेगा, बताओ, दूसरा बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड और साथ में बन जाएगा वाटर। इक्वेशन बैलेंस करें, देखिए कैसे होगी इक्वेशन बैलेंस, देखो ब्रोमीन यहां कितने, 6, यहां 6 लगा दे, बट हाइड्रोजन कितने यहां दे, 10। तो क्या कह रहे हैं, यहां 5 लगा दे, पोटेशियम यहां कितने, 10। तो क्या करें, बताओ, थिंक अबाउट इट, आप भी सोचो, यहां 5। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ये नहीं, देखो 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 इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं, नहीं है भाई, देखो यहां 5 यहां ब्रोमियम 2, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या, घर पे ही बैठे हो इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। तो थिंक अबाउट द नंबर,
तीसरी प्रिपरेशन फ्रॉम पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या फार्मूला है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का है K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम मिक्स करेंगे किसके साथ? बेस के साथ। पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिक्स करेंगे बेस के साथ तो ऑन रिएक्शन विद अल्कली इट गिव्स, ये देगा हमें क्या देगा? K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बेस लेंगे KOH, कितने मोल लेंगे? दो। तो यहां देखो सिंपल सी कहानी है, क्या बन जाएगा हमारे पास? पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। ठीक, समझ गए बात को? या इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये थी इसकी प्रिपरेशंस। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। ये क्या है? ये ऑर्डरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, येलो कलर का, कौन? पोटेशियम क्रोमेट। ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ येलो कलर, पानी में बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, और अल्कोहल में इनसॉल्युबल है। पानी में ये इसको डालेंगे तो ये हमें येलो कलर का सॉल्यूशन देगा। अगर उस येलो कलर सॉल्यूशन में हम कोई एसिड मिला देंगे तो येलो कलर डिसअपियर हो जाएगा और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? रेड कलर अपियर हो जाएगा। और वो रेड कलर क्यों अपियर होगा? डाइक्रोमेट के बंदिंग की वजह से, ठीक है। आप इसको नोट करें जब तक हम इसको मिटाएं। किससे मिटाएं? ठीक है भाई, फोकस कर लो, नोट कर लो, मिटा दो बच्चों। पोटेशियम क्रोमेट कितनी प्रिपरेशन थी इसकी? तीन। किससे? क्रोमाइड ओर से, क्रोमियम ऑक्साइड से और पोटेशियम डाइक्रोमेट से, ठीक है। ठीक है, तो क्या था? पानी में ये येलो कलर सॉल्यूशन देता है, उस येलो कलर में अगर हम एसिड डाल देते हैं तो वो येलो कलर डिसअपियर हो जाता है, रेड कलर अपियर हो जाता है। येलो कलर डिसअपियर होता है, रेड कलर अपियर होता है। रेड कलर क्यों अपियर होता है? क्योंकि हमारे पास डाइक्रोमेट बन जाता है। तो यहां पर मैंने लिखा था कि रेड कलर इज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट के बनने की वजह से क्या बन जाता है? रेड कलर बन जाता है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन अगर हम लिख दें Cr4 2 - 2, साथ में हम इसमें क्या मिला रहे हैं? वी आर एडिंग एच, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? Cr2O7 - 2 और वाटर, ठीक है। तो इसका कलर कौन सा है? इसका कलर है येलो, राइट। इसका कलर कौन सा है? रेड। अब इस पे एक बेहतरीन किस्म का सवाल बन जाएगा, क्या बनेगा? अ येलो कलर्ड सॉल्यूशन एक्स, येलो कलर्ड सॉल्यूशन एक्स इज चेंज्ड इनटू अ रेड कलर सॉल्यूशन वाई, ठीक है, ऑन द एडिशन ऑफ एसिड, एसिड की एडिशन में। तो आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, नोट करें सवाल को, ठीक है, समझ गए होंगे सवाल, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? हाँ भाई, समझ गए। अब ऑप्शन हम इसका लिखते हैं, ए में मैं लिख देता हूँ Cr2O7 - Cr2O4 - बी में हम लिख देते हैं Cr2O4 - Cr2O7 - सी में हम लिख देते हैं AgNO3 एंड Ag+, बी में लिख देते हैं
हाँ जी, तो अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी हमने, कि भाई ये येलो कलर सॉल्यूशन है, इसमें ऐसे डालते हैं तो रेड बन जाता है। तो येलो कलर कौन था, उसका नाम रखा हमने एक्स, और वो क्या है, वो है हमारे पास क्रोमेट मनसिया। उससे जो रेड कलर बनता है वो क्या बनता है, डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट माना Cr2O7, तो करेक्ट ऑप्शन बिल भी दे सकते, ठीक है, समझ में आ रही है। अब इसके रिएक्शन हम लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, हाइड्रोलाइसिस। ये जब इसको वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये शो करता है क्या, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस आपको पता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर रिएक्शन करे साल्ट के साथ और नतीजे में क्या बने, एसिडिक सॉल्यूशन बने या बेसिक सॉल्यूशन बने, तो हम उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, इसको किसके साथ मिलाया हमने, इसको मिलाया वाटर के साथ, वाटर का फार्मूला HOH। अब रिएक्शन देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब बताओ क्या होगा, K मिलेगा किसके साथ, OH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। H किसके पास जाएगा, वेयर H विल गो, H जाएगा हमारा किसके पास, इसके पास, तो क्या बन जाएगा, H2CrO4, ठीक है। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब इक्वेशन ये बैलेंस नहीं, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, दो इधर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, दो दो चार, दो इधर लगा देंगे। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और क्रोमिक एसिड ये वीक है, ठीक है, तो क्या बन गया, बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन बन गया क्या, बेसिक। तो हाइड्रोलाइसिस ऐसे ही तो कहते हैं, ये साल्ट रिएक्शन करे वाटर के साथ और नतीजे में क्या बने, एसिडिक सॉल्यूशन बने या बेसिक सॉल्यूशन बने, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है, नंबर टू रिएक्शन विद H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये क्रोमेट रिएक्शन करता है, तो ये बना देता है डाइक्रोमेट, पोटेशियम सल्फेट और वाटर, ठीक है। तो पोटेशियम क्रोमेट देंगे हम K2Cr2O7, दो मोल लेंगे, इसको मिलाएंगे हम किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4, तो क्या बन जाएगा, K2Cr2O7 प्लस। और दूसरी प्रोडक्ट क्या बनेगी, मैं देखो, हाँ दूसरी प्रोडक्ट बनेगी पोटेशियम सल्फेट और वाटर, ठीक, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा क्या है, रिएक्शन विद लेड एसीटेट। लेड एसीटेट, लेड का फॉर्मूला एग्जांपल क्या है, Pb। तो पोटेशियम क्रोमेट K2 K2CrO4 प्लस लेड एसीटेट। एसीटेट का क्या है, CH3C डबल। लेड का चार्ज कितना है, दो, तो दो के साथ जुड़े, तो क्या बनेगा, देखो अच्छे तरीके से देखो, प्लस माइनस, तो ये के पोटेशियम यहां जाएगा, ये बन जाएगा 2K CH3C डबल, क्या इसको लिखें, और क्या बनेगा, और हमारे पास बनेगा लेड। अब देखो ये लेड क्रोमेट जो है, ये है येलो कलर सॉल्यूशन, या येलो कलर ये बनता है, ठीक है। ये यूज होता है येलो कलर ऑयल में, जिसे हम येलो क्राउन भी कहते हैं,
ठीक है, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ येलो कलर ऑयल नॉन एज येलो क्राउन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस, पर कोई कंफ्यूजन है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो रेड कलर की प्रेसिपिटेट बनती है, जिसे हम ब्रिक रेड कलर कहते हैं। ठीक है, ब्रिक समझते हो, ईंट, ईंट जैसा रेड। रिएक्शन विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये भी सिंपल सा रिएक्शन है। पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 प्लस AgNO3 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बताओ कौन किसके साथ मिलेगा? ये प्लस जाएगा इधर, ये बन जाएगा KNO3, दो मोल्स लेंगे और ये बन जाएगा Ag2CrO4। इसका जो कलर है वो क्या है? ब्रिक रेड। ठीक है, समझ में आ रही है बात? या इसमें कोई कंफ्यूजन है? आप इसको नोट करें और इसको जब तक पॉज कर लें आप। हाँ जी, तो ये प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद हम आते हैं क्या इसके यूजेस पर। पोटेशियम याद रहे ट्रांजिशन एलिमेंट के ज्यादातर कंपाउंड्स यूज होते हैं एज एन ऑक्सीडाइजर, तो ये भी पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है? यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और डाइंग प्रोसेस में ये यूज होता है एज अ मॉर्डेंट, मॉर्डेंट माना कलर को फिक्स करने के लिए यूज होता है, एज अ फिक्सर। ठीक है, मेकिंग इन पेंट्स, पेंट्स बनाने के लिए, जैसे इस रिएक्शन में क्या था कि ये येलो कलर है और इसे येलो कलर या येलो क्राउन भी कहते हैं। ठीक है, और कहां यूज होता है? टैनिंग ऑफ लेदर, चमड़ा की टैनिंग करने में, रंग शादी करने में। एज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर के तौर पर भी यूज होता है। कौन से रिएक्शन में? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इनऑर्गेनिक में आयंस की डिटेक्शन में भी यूज होता है, तो जब आयन को डिटेक्ट किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, जहां हमें पता चले। और क्या था? और यूज्ड एज कोरोजन इनहिबिटर। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स टुडेज लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ा? पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट में उसकी प्रिपरेशन कितने कंपाउंड से करते हैं? तीन से, क्रोमाइट ओर से और क्रोमियम ऑक्साइड से और पोटेशियम डाइक्रोमेट से। क्रोमाइट ओर में क्या करते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट के साथ एयर की प्रेजेंस में मिलाते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड में क्या करते हैं? हम याद होगा आपको, क्रोमियम ऑक्साइड में हम क्या करते हैं? ब्रोमीन के साथ मिलाते हैं, किसकी मौजूदगी में? अल्कली की। और पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या थी भाई? ये वाटरलेस है, येलो कलर कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन इसकी नेचर है, पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं है। पानी में इसके सॉल्यूशन का कौन सा कलर आता है? येलो। अगर उस येलो कलर सॉल्यूशन में हम एसिड मिला देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाइक्रोमेट हो जाता है। ठीक है, इस पे हमने एमसीक्यू किया। उसके बाद क्या है दूसरा? ये है कि ये हाइड्रोलाइसिस करता है। हाइड्रोलाइसिस जब इसको मिलाते हैं वाटर के साथ तो ये एसिड, एसिड भी बनाता है, बेस भी बनाता है। एसिड बनाता है क्रोमिक एसिड, बेस बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, क्रोमिक एसिड वीक एसिड है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन बन जाएगा बेसिक। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस किस्म का होता है? अल्कलाइन का। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बना देता है? डाइक्रोमेट बना देता है, पोटेशियम सल्फेट बना देता है, वाटर बना देता है। लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बना देता है? ये पोटेशियम एसीटेट और लेड क्रोमेट। अब इसका कोई कौन सा कलर होता है? इसका येलो कलर का होता है, और ये येलो कलर ऑयल प्रिपरेशन में यूज होता है, जिसे हम येलो क्राउन भी कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, क्या बना देता है? पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्रोमेट, जिसका कलर होता है ब्रिक रेड।
अब इसके यूजेस क्या थे भाई, ये एज ऑक्सीडाइजर यूज होता है, मॉर्डेंट इन डाइंग यूज होता है, टैनिंग ऑफ लेदर यूज होता है, मेकिंग ऑफ पिगमेंट्स के तौर पर यूज होता है, कोरोजन इनहिबिटर के तौर पर यूज होता है, ठीक है, साल्ट एनालिसिस में आइंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।